कॉन्फ्रेंस आरंभ करें। धन्यवाद। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हिंदुस्तान के खिलाफ अनर्गल बोलने से बाज नहीं आ रहे, और जिस प्रकार से शशि थरूर जी ने कल यह कहा है कि अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है चुनावों में, तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, मुझे लगता है इससे ज्यादा अब्यूज और इससे ज्यादा आपत्तिजनक विषय भारत के लिए कुछ हो नहीं सकता है। मिस्टर राहुल गांधी, सच काइंड ऑफ अब्यूजेस फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी विच योर लीडर्स हैव बीन यूजिंग इज समथिंग विच हैज बिकम अ कॉन्स्टेंट फीचर एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न। जहां तक इस बयान का सवाल है, यह बयान कोई साधारण बयान नहीं है। हिंदू पाकिस्तान कह के आपने हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर प्रहार किया है, और हिंदू पाकिस्तान कहकर कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं पर प्रहार किया है। आज हम बताना चाहते हैं कि आज सुबह के अखबारों को पढ़िए, आज खुशखबरी यह है कि फ्रांस को पीछे छोड़कर इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ी है, और पूरे विश्व में भारत की इकोनॉमी एक सशक्त इकोनॉमी और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर के आई है। ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे जो प्रहार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर जी के माध्यम से किया है, यह आपत्तिजनक है। मगर कांग्रेस पार्टी का यह चरित्र रहा है कि मोदी जी से नफरत करते करते, भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते करते कहीं ना कहीं ये लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं, और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना और हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर प्रहार करना आरंभ कर देते हैं। कुछ उदाहरण है, चंद दिनों पहले राहुल गांधी जी ने स्वयं ही सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए, इंडियन आर्मी पर सवाल खड़ा करते हुए खून की दलाली नामक शब्द का इस्तेमाल किया था। गुलाम नबी आजाद जी ने चंद दिनों पहले इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जो इंडिया की आर्मी है वो सिविलियंस की हत्या करती है और आतंकवादियों को नहीं मारती है। और बंधुओं, आप तमाम चैनलों ने दिखाया था कि किस प्रकार ये जो यूनाइटेड नेशन की एक फर्जी रिपोर्ट थी ह्यूमन राइट कमीशन की, वो पाकिस्तान द्वारा एडिटेड था, पाकिस्तान द्वारा ऑथर्ड था, पाकिस्तान ही उसका लेखक था, आज उसका पर्दाफाश हो चुका है। मगर चूंकि मोदी जी के खिलाफ कहना था और हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहना था, इसलिए गुलाम नबी आजाद जी ने आओ देखा ना ताओ और बिल्कुल सेकेंड्स के अंदर हिंदुस्तान के आर्मी के ऊपर धावा बोल दिया। मणिशंकर अय्यर तो दो कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान में जाकर कह रहे थे मोदी की सरकार को गिराना होगा। दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट द कांग्रेस लीडर्स हैड फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। गोइंग टू पाकिस्तान एंड सेइंग दैट मोदी की सरकार गिराना होगा, दिस इज मणिशंकर अय्यर्स डायलॉग। सैफुद्दीन सोज स्टैंडिंग विद परवेज मुशर्रफ एंड सेइंग कश्मीरीज वॉन्ट इंडिपेंडेंस जस्ट एज प्रोपगेटेड बाई परवेज मुशर्रफ। आई स्टैंड विद परवेज मुशर्रफ, दैट इज वॉट सैफुद्दीन सोज वॉज सेइंग। सैफुद्दीन सोज हो या मणिशंकर अय्यर हो या गुलाम नबी आजाद हो, राहुल गांधी स्वयं हो सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में, या आज शशि थरूर हो, ये कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन जिस प्रकार गर्त में गिरने का काम कर रही है, हम आगाह करना चाहते हैं राहुल जी, दिस इज नॉट द वे ऑफ हेल्दी पॉलिटिक्स। ये स्वस्थ राजनीति की चिन्ह नहीं है, का निशान नहीं है। आप राजनीति करना चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से करिए, आप सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए, मगर हर बार भारत के लोकतंत्र के खिलाफ मोर्चा खोल देना, यह कहां की राजनीति है? इंडिया की आर्मी को अटैक करना, इंडिया के संविधान को अटैक करना, यह कहां की राजनीति है राहुल गांधी जी? आपसे यह सवाल पूछना चाहते हैं। और शशि थरूर जी, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत की जनता को कैटल क्लास कहा था। उन्होंने कहा था हम कैटल क्लास लोग हैं, एंड येट अगेन मिस्टर शशि थरूर इज कैटल क्लासिंग द इंडियन डेमोक्रेसी। आज फिर से इंडियन डेमोक्रेसी को कैटल क्लास बताकर पाकिस्तान के बराबर खड़े करने का काम ये शशि थरूर कह रहे हैं। शशि थरूर जी, आई एम सॉरी टू स्टेट, यू कॉल योरसेल्फ एजुकेटेड एंड एन एरुडाइट स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। शशि थरूर जी, आप पाकिस्तान के नागरिकों से प्यार करना चाहते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के नागरिकों से प्यार करिए,
मगर हिंदुस्तान की नागरिकों के प्रति नफरत यह उचित नहीं है। आप किससे प्यार करना चाहते हैं वो जरूर करिए, आप पाकिस्तान के नागरिकों से प्यार करिए, मगर हिंदुस्तान के नागरिकों के प्रति इस प्रकार का नफरत की आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तुलना पाकिस्तान से करें। अरे पाकिस्तान तो टेररिस्टान है, वो आतंक को बढ़ावा देता है, और ऐसे में आप कह रहे कि हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा भारतवर्ष। ये हिम्मत केवल और केवल कांग्रेस के लीडरानों में है जो बार बार अपनी तुच्छ राजनीति के कारण भारतवर्ष को नीचा दिखाने का काम करते हैं। संविधान को तोड़ने का काम, शशि थरूर जी यू शुड हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ग्लोरिफाइंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज ब्लैक पैचेस लाइक इमरजेंसी थैंक्स टू द कांग्रेस पार्टी। इट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज सस्पेंडेड। इट वॉज इन सस्पेंडेड एनिमेशन फॉर ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 2 years बाई मिसेस इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर बिकॉज शी इम्पोज इमरजेंसी इन दिस वेरी कंट्री। It is because of the Congress party that most number of times duly elected state governments, they have been toppled and precedence rule imposed almost 88 times by the Congress party. और आज आप संविधान की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। ये तो लोकतंत्र के प्रति आपकी घृणा भाव थी। राहुल जी आप लोकतंत्र से भी भारत से भी नफरत करने लगे हैं, और सबसे दुख का विषय है कि आप इस देश के हिंदुओं से भी घृणा करने लगे। राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2008 में हिंदू आतंकवाद नामक शब्द का गठन किया था। यूएस के एम्बेसडर से बात करते हुए किस प्रकार उन्होंने कहा था कि मुझे एलिटी से डर नहीं है, मुझे हिंदुओं से डर है। आप ही के इस हिंदू टेरर वाले लाइन पर चलते हुए तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम और उसके पश्चात तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे जी ने हिंदुओं के ऊपर हिंदू आतंकवाद शब्द से आक्रमण किया था और कहा था संघ और भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद की फैक्ट्री चलाती है। अगले दिन पाकिस्तान ने इसे हेडलाइन के रूप में कैरी किया था। अगले दिन पाकिस्तान ने कहा था वी स्टैंड विद द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। चंद दिनों पहले गुलाम नबी आजाद जब हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ कह रहे थे, किसने सर्टिफाई किया? कांग्रेस वॉज सर्टिफाइड बाय हाफिज सईद एंड एलईटी। शाम तक उनको सर्टिफाइड कॉपी एलईटी का मिल गया था। हां हम गुलाम नबी आजाद जी के ओपिनियन से सहमत है, हम कांग्रेस से सहमत है। ऐसे ही नहीं है राहुल जी कि हाफिज सईद एक इंटरव्यू में कहता है कि भारत में भी कुछ अच्छी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी है। इस प्रकार के बयान आप दिन रात देते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका सबसे बड़ा फैन हाफिज सईद ही होगा और पाकिस्तान ही होगा। हिंदुओं के प्रति घृणा के मारे दिग्विजय सिंह जी ने चंद दिनों पहले हिंदुओं को पुनः आतंकवादी बताने का काम किया था कि जो लोग हिंदू धर्म में आतंकवाद करते हैं। 26/11 आरएसएस की साजिश, यह दिग्विजय सिंह जी ने कहा था। यह हिंदुओं के प्रति घृणा का काम बंद करिए। सुनने में आया है, मैं अभी टेलीविजन देख के आ रहा था, तमाम चैनल ये चला रहे हैं कि कल जो बुद्धिजीवियों के साथ बैठक हुई थी राहुल गांधी जी की, कुछ इस्लामिक बुद्धिजीवी है, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सबसे मिला जा सकता है, मगर बुद्धिजीवियों के साथ जो बैठक हुई है, सुनने में आया है, मैं तो न्यूज चैनल में देख के आ रहा हूं और चैनल सोर्स बेस्ड न्यूज चला रहे हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं चैनलों का, क्योंकि चैनल्स के बगैर और मीडिया के बगैर तो लोकतंत्र का वजूद ही नहीं है, और चूंकि आप लोग चला रहे हैं मैं इसको सत्य मानता हूं। आप लोग कह रहे हैं कि सोर्सेस के माध्यम से मालूम पड़ रहा है राहुल गांधी जी ने जो बुद्धिजीवी कल आए थे उनसे क्षमा याचना की है कि हमसे गलती हो गई है, ये जो हम मंदिरों में गए ये हमसे गलती हो गई है, हम अपनी गलती सुधार लेंगे और हम पुनः उसी प्रकार की राजनीति में आ जाएंगे जिस प्रकार के कांग्रेस हम थे। ये जो हमने जनेऊ धारण करने का जो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन किया था यह हमसे गलती हो गई है, यह सब कल मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, यह हम सुन रहे हैं। राहुल जी ये जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है ना, 4 दिन के लिए जनेऊ पहनने का जो नाटक होता है, ये कुछ दिनों के लिए हो सकता है, मगर आपका जो आपके पार्टी की जो तुष्टिकरण की नीति है, आप इसको छोड़ के एक पल भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तुष्टिकरण के बिना कांग्रेस पार्टी की हालत वैसी ही होती है जैसे जल बिन मछली। किस प्रकार मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पहला अधिकार अगर संसाधनों पे किसी का है, फर्स्ट राइट ओवर रिसोर्सेज इज ऑफ द माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली ऑफ द मुस्लिम्स। किस प्रकार से कम्युनल वायलेंस बिल लाके आपने देश को बांटने की कोशिश की थी, आर्मी के अंदर आपने धर्म के आधार पर
हेड काउंट करके सेंसस करके आर्मी को बांटने और विभाजित करने की कोशिश की थी। आपके माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रहमान खान ने तो यहां तक कह दिया था कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन कोई संस्था है ही नहीं, कोई आतंकवादी संगठन है ही नहीं। अरे आपके सुशील कुमार शिंदे जी ने तो चिट्ठी लिखा था तमाम चीफ मिनिस्टर्स को राहुल जी कि जो मुसलमान युवकों को बंद कर दिया गया है जेल में उन्हें छोड़ दीजिए। यह तुष्टिकरण की जो नीति है कल बुद्धिजीवियों के बैठक के पश्चात इस प्रकार की रणनीति को अपनाते हैं और आधे घंटे के अंदर शशि थरूर आके हिंदुओं को गाली देते हैं और कहते हैं हम हिंदू पाकिस्तान बन जाएंगे। स्टॉप दिस फियर मॉन्गरिंग मिस्टर राहुल गांधी। मिस्टर राहुल गांधी, India is not going to take this easily. You have been constantly instilling the seed of fear mongering amongst the people of this country. I have a newspaper cutting of a reputed newspaper, 10th May 2014. And what did Mr. Rahul Gandhi say then? Rahul gets the Election Commission notice for allegedly saying that 22,000 Muslims will be killed if BJP wins. 22,000 people will be killed from the minority community if BJP wins. That was what Mr. Rahul Gandhi was saying in 2014. And Hindu Pakistan is what Mr. Shashi Tharoor is saying today. Shame. Shameful. To denigrate one's own country, to denigrate one's own country's democracy, to denigrate the Hindu religion time and again, this is a shameful act for which Mr. Rahul Gandhi should come out and not only apologize, but should explain as to why. Every time any leader of their party opens his or her mouth, they start speaking this way. और फिर वो कांग्रेस पार्टी कहती है ये कांग्रेस का विचार नहीं है, ये तो शशि थरूर जी का व्यक्तिगत विचार है। भैया आज राहुल जी आप बता ही दीजिए ये कांग्रेस पार्टी है क्या। कपिल सिब्बल कहते हैं 2019 तक राम मंदिर पे सुनवाई नहीं करिए, तो कपिल सिब्बल कांग्रेस के पार्टी कांग्रेस के नहीं है, उनका व्यक्तिगत विचार है। पी चिदम्बरम कहते हैं 26/11 तो आप कहते हैं व्यक्तिगत विचार है। गुलाम नबी आजाद कहते हैं तो आप कहते हैं व्यक्तिगत विचार है। सैफुद्दीन सोच कहते हैं तो आप कहते हैं व्यक्तिगत विचार है। भैया कुल मिला के कह दीजिए ना, कांग्रेस माने सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उसके बाहर कुछ कांग्रेस है ही नहीं। यू हैव टू कम आउट एंड गिव द एक्सप्लेनेशन मिस्टर राहुल गांधी। द कंट्री डिमांड्स एन एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ योर पार्टी consistently has been denigrating the beauty of this beautiful country. You cannot do this. Rahul ji, chand dinon pehle Narendra Modi ji ke prati isi ghrna ke karan aapne ek farji report ko, ek survey bhi nahi tha, wo ek farji report tha ki India Syria se bhi gaya gujra hai rape ke mamle mein, अफगानिस्तान से भी ज्यादा रेप यहां होते हैं और विश्व का सबसे अधिक रेप कहीं होता है तो वो इंडिया में है। ऐसे एक रिपोर्ट को आपने तरजीह दी थी, ट्वीट कर दिया था कि इंडिया सीरिया से खराब है और आज आप कहते हैं इंडिया पाकिस्तान से खराब है या पाकिस्तान बन जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बार बार हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार का आक्रमण कर रहे हैं और आपके लोग हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी को आतंकवाद या फेनेटिज्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। और चूंकि आपने हिंदू पाकिस्तान कहा है, जाते जाते हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से दो पंक्ति में यहां बताना चाहूंगा, क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी है वो सहनशील कम्युनिटी है, उसके खिलाफ हिंदू आतंकवाद, हिंदू पाकिस्तान ऐसा गाली बार बार निकालने का जो आप काम कर रहे हैं, मैं बहुत सौम्य तरीके से कविता के माध्यम से अटल जी की ये पंक्तियां राहुल गांधी जी तक पहुंचा रहा हूं। आइंदा हिंदुओं को गाली देने का काम ना करें। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं सबको गुलाम, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इस धरती में हिंदुओं के परिचय को इस प्रकार तोड़ने का काम राहुल गांधी जी आप नहीं करिए। और मैं कहना चाहता हूं, आपने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, आपने हमें हिंदू पाकिस्तान कहा, कांग्रेस पार्टी के 7 पीढ़ियों तक
आपको जवाब देना पड़ेगा इन प्रश्नों का कि आखिरकार हिंदुओं को नीचे गिराने का काम आपकी परिवार क्यों करती है। इसलिए विनम्रता के साथ आपसे अपील है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद करें, हाथ जोड़कर इस देश के लोकतंत्र से, इस देश की जनता से और हिंदुओं से क्षमा याचना करें राहुल गांधी। वी डिमांड एन अपॉलॉजी फ्रॉम मिस्टर राहुल गांधी। थैंक यू फ्रेंड्स। एनी क्वेश्चन सर? देखिए, मुझे लगता है आज का विषय यह अभी नहीं, और कानून अपना काम किसी विषय को लेकर कर रही है, कहीं से बच्चे कहीं और गए हैं, ये बड़ा संवेदनशील विषय है। इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। I don't understand how distribution of a holy book, something which only discusses character building, that be polarization. We have seen that holy books from every religion is being distributed by people of the community only in good faith. So to say that distribution of Bhagavad Gita or any other holy text creates an effect of polarization is something which should not be said. See, we have to see the sting operation, because watching a sting operation and thereafter commenting would be okay. I should not be commenting about any sting operation before I see it. I'll wait for the sting operation to be seen, thereafter I would comment. I think it's over. Thank you so much.